ओए अरहम, क्या हुआ? दफ्तर नहीं गए? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बस थोड़ा नज़ला और खांसी है। हाय हाय, आपने कुछ खाया भी नहीं? नहीं, दिल नहीं कर रहा। कुछ खाओगे तो दवाई खा सकोगे ना बेटा। किधर है सनाया? वो ऑफिस गई है, मीटिंग है एक। हद हो गई भाई, मीटिंग शोहर से ज्यादा जरूरी हो गई। वैसे इतनी गैर जिम्मेदारी भी अच्छी नहीं होती यार। इस वक्त में तो उसे तुम्हें अहमियत देनी चाहिए थी ना, कि नहीं? मगर नहीं भाई, पैसे की लत शोहर की मोहब्बत पे भी हावी हो गई। अच्छा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको भेजा है वहाँ। बस रहने दो, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। जाओ फबिया, अदरक और दालचीनी का कावा बनाओ उसके लिए। जी कावा नहीं, आपको पता है मुझे नहीं। जरूरत है बेटे, पीना पड़ेगा। कावा पियो पहले, फिर मैं नाश्ता भेजूंगी कमरे में। जाओ तुम, आराम करो। पीना हाँ, कुछ चाहिए हो मुझे कॉल करो। फबिया, बेटे बस एक टुकड़ा लेना, छोटा सा अदरक का। सॉरी, आपका कहवा। थैंक्स। इतना कड़वा है तो प्लीज वापस ले जाए। थोड़ा सा तो कड़वा होगा, ये आप पियेंगे नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही इसी हालत में रहेंगे। और हर कड़वी चीज में शिफा होती है, दवाई भी तो पीते ही है ना। इसे भी दवाई समझ के पी लीजिए। ठीक है। फबिया, आप वो अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें, वो सैलरी देने में आसानी होगी। ऐसे तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, आप टेक्स्ट कर दो। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। आप मेरा नंबर लिख लो। आप एक काम करें, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। ये भी ठीक है। हाँ बताए। हर कड़वी चीज में शिफा होती है, दवाई भी तो पीते ही है ना। इसे भी दवाई समझ के पी लीजिए। नहीं भी आ जा रहा। हाँ, पी लिया कावा? जी दे दिया मैंने। अरे, अपने सामने पिला कर आना था ना। मैं बता रही हूँ, बचपन से इसकी ये आदत है, जब भी बीमार होता था ना, ना डॉक्टर के जाना है, ना कोई देसी टोटका दो तो उसने करना है। नहीं भाई, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसकी शादी होगी तो इसका मिजाज बदल जाएगा।
तो बीवी ही दूसरे मिजाज की आ गई। देख लेना वो नहीं पिएगा। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर पी लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया है तुमने? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिलो दिमाग पर असर कर जाती हैं। बस मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सोच रही हूँ कि तुमने 10 मिनट में ऐसा क्या कर दिया जो सनाया सारी जिंदगी से ना कर पाई। आंटी, वक्त वक्त की बात होती है। कभी कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, या शायद सामने वाला हमें समझा नहीं पाता, लेकिन वक्त सब समझा देता है। तुम तो बड़ी अकलमंद भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही मीटिंग आपकी? मीटिंग बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रमोशन भी पक्की है। वेरी गुड। अच्छा आरम, मैं सोच रही थी कि जो आपका लोन अप्रूव हुआ है उन्हीं पैसों से मैं अपना लोन पे कर दूं, एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाएगा। आप क्या कहते हैं अरहम? आपसे बात कर रही हूं, आपके लोन वाले पैसों से मैं अपना लोन पे कर दूं? सुनाया, मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया था। वो क्या यार, वो पैसे मैंने भैया को दे दिए, वो मुश्किल में थी। क्या? और हमारी जरूरत का क्या? आपने उसे पैसे देने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, वो भी एक केयर टेकर को। सुनाया, किसी की मदद करना भी तो अच्छी बात है, उसकी सैलरी से काट लेंगे। चंद 1000 रुपए देकर मदद की जा सकती थी अरम, लाखों रुपए देने की क्या जरूरत थी? और उन पैसों से हमारी कितनी जरूरतें पूरी हो सकती थी? पता है आपको, पिछले दिनों उन्हीं पैसों के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया है हमने। सुनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसने कहा था अम्मी की बात को रद्द नहीं कर सकता, तो मुझे हेल्प तो करनी थी। देखो तो सुनाया, प्लीज। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं शरीफ इंसान हूं, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कौन था वो? कौन? वही जिसकी गाड़ी से तुम हजारों शिकस्ता अरमान लेके उतरी थी। वैसे तुम्हारे अरमान भी यही थे ना, बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो। लेकिन यहाँ ना तो गाड़ी है और ना ही गाड़ी वाला। आप ही बोलने से पहले सोच तो लिया करें। सोच में तो तुम उलझी हुई लग रही हो फबिया। आप जैसे समझ रही हैं वैसे कुछ भी नहीं है। किसी की शौहर हैं वो, 2 बच्चों के बाप हैं वो, तो बस इंसानियत की खातिर घर तक छोड़ने आ गए थे। इंसानियत? ओ लेकिन फबिया, ये इंसानियत पहले तो तुम्हें किसी ने नहीं दिखाई। अभी प्लीज, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। हाँ भाई, तुम अब हमारे मुंह क्यों लगोगे? लेकिन बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारी मैडम, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, और ऊपर से इतना हैंडसम और खूबसूरत शौहर भी। कल ही फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, ऑल इन वन, और एक तुम्हारा हमजा है। वैसे सच पूछूं तो तुम भी अपनी किस्मत बना सकती हो। मौके से फायदा उठाना सीखो, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। फबिया, तुम्हारे व्हाट्सएप डीबी में तो उनकी तस्वीर होगी ना, मुझे दिखाओ। क्या हो गया आपी? भाई मैं दूर और करीब का फर्क दिखना चाहती हूँ, दिखाओ तो सही।
ये तो करीब से और ज्यादा खूबसूरत है, कहीं से लग ही नहीं रहा दो बच्चों के बाप है यार। और तुम्हें घर भी छोड़ने आए थे तो इसका मतलब दिल के भी अच्छे होंगे। कुछ भी फबिया, जरूरत और ख्वाहिश जब इंसान की पूरी नहीं होती है ना तो वो हसरत बन जाती है, फिर इंसान उन्हीं हसरतों के नीचे दबके दफन हो जाता है। ध्यान से तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मम्मी से बात करने की क्या जरूरत थी? आप गलत समझ रही हैं, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, वो तो उन्होंने खुद से अपने रोने रोके उनकी हमदर्दी बटोर रही थी और कह रही हो कि उन्होंने खुद ही तुम्हें पैसे दे दिए। चंद हजार में और लाखों में फर्क होता है, पता है ना? देखो फबिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है वो ही करो तो बेहतर है। जी, कभी कभी मजबूरियाँ इतनी सख्त होती हैं कि इनकार जैसे लफ्ज़ मुँह से छीन लेती हैं, शायद इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। गैरतमंद लगती हो, इतना ख्याल रखना, आइंदा अपने दुखड़े अम्मी के सामने मत रोना, उनकी जिम्मेदारी दी गई है तुम्हें, सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखो, बच्चों से दूर रहना। आज स्कूल में डे है, वाह वाह। आ जाओ फबिया, बेटे तुम भी नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं नहीं आंटी, आप कीजिए, मैं घर से करके आई थी। फबिया आंटी मेरे स्कूल में आएंगी ना? कैसे आएंगी वो? अगर वो आ गई तो फिर दादू के पास कौन रहेगा, वो नहीं आ सकते। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो। अरे कोई नहीं, एक दो घंटे की तो बात है, पहले भी तो रहती थी ना जब तुम दफ्तर चली जाती थी, अब भी रह लूंगी, बच्चे की खुशी तो होने दो पूरी। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं लेट हूँ। अल्लाह के मार, जाओ मेरा बेटा, जाओ। चलो स्कूल वैन आ गई, भागो भागो भागो। ओके खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हादी ने तुम्हें बुलाया है स्कूल तो जरूर जाना चाहिए, वरना बच्चे का दिल टूट जाएगा और मेरा भी। कैसे जाओगी? रिक्शे से चली जाऊंगी। क्यों भाई, रिक्शे से क्यों जाओगी? मैडम से कहूंगी तुम्हें लेता हुआ जाएगा। मम्मी उनको कुछ मत कहिएगा। क्यों? आप चलें, आपका नाश्ता मैं कमरे में लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक है, नाश्ता कमरे में ही कर लेंगे। अमीन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे हादी के स्कूल जाना है, आज उसकी परफॉर्मेंस है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। हेलो हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, हेलो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ।